साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, पुलिस थाना पथपदरा की तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिले भर में एनडीपी एक्ट में जब्त शुदा अवैध डोडा पोस्ट का निस्तारण। थाना पथपदरा में 5 प्रकरणों में करीब 5 टन अवैध डोडा पोस्ट को किया नष्ट। पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया के निर्देश पर, मुख्यालय के निर्देश अनुसार एनडीपी एक्ट में दर्ज प्रकरणों में जब्त शुदा अवैध डोडा पोस्ट निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर धर्मेंद्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में प्रक्रिया अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश के प्राप्त गठन डीडीसी कमेटी की निगरानी में नापतोल के थाना पचपदरा में दर्ज एनडीपी एक्ट में कुल 5 प्रकरणों में जब्त शुदा अवैध डोडा पोस्ट करीब 5,253 किलो 443 ग्राम को दिनांक 19/9/2024 को थाना पथपदरा के पास खुले स्थान में निस्तारण नष्ट किया गया। तो साथियों तस्वीरें पुलिस थाना पथपदरा की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मौके पर बालोतरा के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के अधिकारी जवान उपस्थित है। यहाँ पर करीब 5 टन डोडा पोस्ट जो अवैध पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे, उन डोडा पोस्ट को नष्ट किया है। तो धन्यवाद, एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को साथियों, ताकि ये पोस्ट जगह जगह पहुँचनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि पचपदरा पुलिस ने प्रकरणों में जो दर्ज 5 प्रकरणों में दर्ज अवैध डोडा पोस्ट थे, उन डोडा पोस्ट को नष्ट कर दिया है। चलो अपन पचपदरा SHO से जानकारी लेते हैं, बात करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। धन्यवाद, एक बार शेयर कर दो फटाफट। में पूर्व में पकड़े गए अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट जो विभिन्न प्रकरणों में 5 प्रकरण थे, जिनके अंदर करीब 5 टन डोडा पोस्ट था जो जब्त किया हुआ था, जो न्यायालय के निर्णय के बाद नष्ट करने के कारण पुलिस मुख्यालय की निर्धारित कमेटी, जिसमें श्रीमान SP साहब बालोत्रा, एडिशनल SP साहब के द्वारा कल थाने पर जलाकर नष्ट किया गया था।